आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रुड़की में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह देखने को मिला है। नॉर्थन बॉर्डर पर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वागत करने के लिए विधायक हाजी फुरकान अहमद ने अपने समर्थकों के साथ नॉर्थन बॉर्डर पहुंचने की तैयारी की। प्रिय नेता माननीय हरीश रावत जी, उनको चुनाव जो है पूरी लीड करने का जो है राहुल गांधी ने जो मौका दिया है, उनके स्वागत में हम सब नॉर्थन बॉर्डर पहुंच रहे हैं और हरिद्वार ही सहित पूरे उत्तराखंड में हरीश रावत जी के नाम पर गए उत्साह है लोगों में और हर व्यक्ति ये चाहता है कि हरीश रावत उत्तराखंड में सीएम बने। तो ये राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हरीश रावत जी को कमान सौंपी और अब संगठन और शीर्ष नेता मिलकर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने जा रहे हैं और इसी उत्साह के लिए हम सब मिलकर नॉर्थन बॉर्डर पर। आदरणीय हरीश रावत जी दिल्ली से नॉर्थन बॉर्डर पर बता रहे हैं, हम सब साथी फाखाजी से हमारे जितने भी साथी सब जिम्मेदार साथी उनका स्वागत करने के लिए हम वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी तादाद में हम वहाँ पर नॉर्थन बॉर्डर पर पहुँचेंगे और उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी ही एक ऐसे उत्तराखंड के इंसान हैं जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी लाएगी और जन जन के संपर्क में रहते हैं। हर पौड़ी में निर्वाचन 2022 को जनपद में स्वतंत्र निष्पक्ष और सफल संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के मार्गदर्शन में मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान अपर जिलाधिकारी लाखेरी मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया कार्यशाला में अनुश्रवण समिति और पेड न्यूज जैसे कई विषयों पर जानकारी दी। ये कार्यशाला आयोजित की गई आयोग के निर्देशानुसार आज में, जिसमें सारे मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसमें एमसीएमसी के गठन के बारे में, एमसीएमसी के क्या कार्य हैं और क्या उनके द्वारा किस प्रकार से प्रक्रिया की जाएगी, इन सब के बारे में बताया गया। न्यूज़ के मामले हैं या जो भी एमसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो उल्लंघन के मामले हैं, उन सब के मामलों में एमसीएमसी की पूरी निगरानी रहेगी और जो भी आयोग के निर्देश उनके अनुसार ये कार्य करेगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां नशीले इंजेक्शन की सप्लाई चल रही थी, जिसमें दो युवकों को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 290 नशीले और प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान कासिब और रिजवान के रूप में हुई है, जो ज्वालापुर में समीर रावपुर मेडिकल स्टोर संचालन के वह नशीले इंजेक्शन खरीद कर सप्लाई करते हैं। चेकिंग के दौरान दो युवकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 290 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनके खिलाफ एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर, देखिए, पुलिस के द्वारा इसमें जो इसमें धंधे में लिप्त हैं पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में हमारे द्वारा 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 34 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों स्मैक तस्कर कोतवाली क्षेत्र के ही जैनपुर खुर्द गांव के निवासी हैं। लातपुर में एक इन्फॉर्मेशन पर अखिल के घर में दबिश दी थी, ये पहले भी स्मैक का काम कर चुका है। इसके कब्जे से वहाँ पर लगभग 24 पॉइंट समथिंग ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके साथ का एक और था, वो मौके से भाग गया था, उसका रिश्ते का चाचा लगता हो। और दूसरा हमने एक मेहताब को पकड़ा था, जैनपुर का रहने वाला, जैनपुर से पकड़ा था। इसके बाद लगभग 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। इनके खिलाफ केस दर्ज करके आज इनको कोर्ट पेश किया जाएगा। लातपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर शासन के दिशा निर्देशन और जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त विद्यालयों कॉलेजों में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर पूर्ति विभाग के तत्वधान में जिला पूर्ति कार्यालय पौड़ी में जिला उपभोक्ता फोरम पौड़ी के सदस्य राकेश समाजवेदी,
की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उपभोक्ता फोरम पौड़ी के सदस्य ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम 1987 और 1991 तथा 1993 में संशोधन किए गए थे, लेकिन 2002 में विस्तृत संशोधन किया गया। आगे कहा गया कि ऑनलाइन सेवा को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। धनौरी में राष्ट्र समर्पित शहीद सोनित कुमार सैनी का एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, जहां वहीं शहीद सोनित राजकुमार सैनी के परिजनों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए किया गया कि सोनित कुमार को शहीद हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे उसके साथ किए थे, वो अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ना ही हमारे परिवार को कोई नौकरी मिली है और ना ही कोई स्मारक बनाया गया है। कलियर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव में नववर्ष शुभकामनाओं की होली को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब एक पक्ष ने कोतवाली की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कलियर थाने में बजूहेड़ी निवासी संदीप कश्यप ने तहरीर देकर बताया कि वह कांग्रेस समर्थित है और उसने अपने निजी आवास पर कांग्रेस नेताओं के फोटो वाला एक होर्डिंग जिसमें नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई थी। आरोप लगाया कि 24 दिसंबर की शाम पड़ोस के कुछ लोगों ने, जो कि भाजपा समर्थित हैं, होर्डिंग लगाने का विरोध किया और होर्डिंग फाड़ने की धमकी दी। संदीप का आरोप है कि होर्डिंग को फाड़ने के साथ काले को पोत दिया गया और वहीं संदीप ने तहरीर में अपने आप में अपने परिवार और जानमाल का खतरा बताते हुए दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव में बिसात बिछ चुकी है, जहां हर राजनीतिक विचारधारा के प्रतिनिधि जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उसकी उद्देश्य से जरिए विकास नगर में हेरिटेज डिस वेडिंग स्थल पर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया पहुंचे। उनके साथ आपने पूर्व उत्तराखंड पुलिस के आईजी अंतराम चौहान, विकास नगर विधानसभा प्रभारी प्रवीर बंसल, देहरादून जिला अध्यक्ष गुरुमेल सिंह, वरिष्ठ आप नेता मौजूद रहे। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद मिला तो दिल्ली की तर्ज पर सारी सुविधाएं उत्तराखंड में लागू कर दी जाएंगी। प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, 6 महीने में 1 लाख नौकरी, 5,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप नेता ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड में बारी बारी राज किया है और इन दोनों पार्टियों को उत्तराखंड दुधारू गाय साबित होगी। हमारे जो वायदे हैं, जो हमारी गारंटीज हैं, हम उनके ऊपर काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये 5 ऐसे बेसिक इशू हैं जिन पर हम सबसे पहले काम करना चाहते हैं। देखिए, हमने हमेशा से कहा है कि इस जो प्रदेश 2 राजधानी का बोझ क्यों झेले, 1 प्रदेश 1 राजधानी और स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल हम क्लियर हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक बोल रहे हैं, इस प्रदेश पे आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए 2-2 राजधानी का, 1 प्रदेश और 1 राजधानी के कॉन्सेप्ट को हम विश्वास। थराली देवाल वाड़ मुंदोली मोटर पर लोहा गंज बाजार में डंपर दुर्घटना के बाद अभी भी वहीं लोहा जंग बाजार में लोक निर्माण विभाग की ओर से जानकारी दी गई। वहीं अब टूटी हुई छोड़ी गई सड़कों के कारण हादसा हो गया और एक टैक्सी वाहन सड़क से नीचे गिर गया। लोगों ने बताया कि इसी जगह पर कुछ समय पहले भी एक ट्राला वाहन भी नीचे गिर चुका है। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर टूटे हुए पुस्ते को ठीक नहीं किया। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान टैक्सी से कूदकर खुद को सुरक्षित बताया। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि यह ही खस्ता हाल सड़क पर लगातार मोटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी संस्था आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। अब एक टेम्पो खड़ा था यहाँ पर, टेम्पो खड़ा था ऊपर से वो एक पत्थर लगा तो थोड़ा सा गाड़ी बाहर निकाली, अब वो रोड ऐसी थी कि गाड़ी ये है गाड़ी का वो तो फंस गया, हमारी जान बच गई। हम 2-3 ट्रैकर थे, वो बेचारे भी चले गए। ये है गाड़ी भाई साहब, ये आप दिखाओ जो भी दिखाते हो। जी आपको पता ही था, ऊपर से लैंडर था उसमें, रोड अच्छी दिख रही थी, हम तो अपने हिसाब से गए, लेकिन पता चला कि पूरा लैंडर टूट गया। देखो ये लैंडर, पूरा लैंडर टूट गया। देखो आप, ये है लैंडर का हाल, ये है गाड़ी का हाल।
ये क्या हाल है, क्या हो रहा है, बीजेपी है सरकार है, क्या करनी है यार, तुम मार दो मरवा दो, बच गए हम। अब एक टेम्पो खड़ा था यहाँ। क्रिसमस त्यौहार क्रिश्चियन समुदाय का सबसे प्रमुख त्यौहार है जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे यीशु के जन्म दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में इस दिन लोग जुलूस भी निकालते हैं जिसमें प्रभु यीशु की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इस महान पर्व को उत्तराखंड राज्य के देहरादून विकास नगर चक्रादा पहाड़ी क्षेत्रों में क्रिसमस डे बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विकास नगर चर्च के पोस्टर लॉरेंस ने क्रिसमस न सिर्फ धार्मिक मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है बल्कि इसका एक सांस्कृतिक नजरिया भी है। इस दिन क्रिश्चियन समुदाय के लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और प्यार और खुशियां भी बांटी जाती हैं। आज का दिन एक हमारा विशेष दिन है। आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया ताकि हम सबका उद्धार हो सके, क्योंकि हमारे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से पूरी दुनिया से हर एक मानव जाति से प्यार किया है ताकि जो कुछ पर विश्वास करे नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम सब आपस में प्रेमचारे को बना सके और हम सब एक भाईचारे बने सके और उस जन्म उत्सव को हम एक साथ मिलकर बड़े हर्ष और उल्लास से बना सके, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर ने एक उपहार के रूप में अपने पुत्र को इसलिए भेजा है क्योंकि उपहार है, ये हमारे लिए परमेश्वर का गिफ्ट है और परमेश्वर ने गिफ्ट के रूप में यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि हम सब नजात पाएं, उद्धार पाएं और कोई भी नाश न हो सके। आज के इस पवित्र और पावन दिन में जब हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए आज 25 दिसंबर 2021 को चक्राता के ऐतिहासिक सेंट जोसेफ चर्च में एकत्रित हुए हैं तो मैं सेंट जोसेफ चर्च की ओर से पास्टर सुंदर सिंह चौहान संपूर्ण प्रदेशवासियों को और देशवासियों को यीशु मसीह के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मसीह यीशु का जन्मदिन पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और इसी रीति से आज चक्राता में भी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए भारी संख्या में लोग चर्च में भीड़ उमड़ आई है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के इस्तीफे को लेकर उत्तराखंड में शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस तरह का कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, यानी कि हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सुबोध उनियाल को जानकारी में इस्तीफा नहीं दिया। हरक सिंह की नाराजगी को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जरूर माना और ये कहा कि हरक सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की है लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हरक सिंह जी ने कैबिनेट में वो मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं और किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी तो उसमें वो नाराजगी कोई बात ही नहीं है। मंत्रिमंडल ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार कर्नल राज्य कोठियाल तनकपुर नगर पहुंचे और इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने कर्नल का जोरदार स्वागत किया जिसमें बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान अजय कोठियाल ने तुलसीराम चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया, साथ ही प्रदेश की दुर्दशा के लिए पूर्व और वर्तमान सरकारों पर जमकर निशाना साधा। क्या है कि आम आदमी पार्टी पहले तो यहाँ पे दो ही पार्टी होती थी बीजेपी और कांग्रेस, तो जनता के पास में कोई विकल्प तो था नहीं, अपना जो अधिकार है हर इंसान चाहता है कि यूज़ करे, तो बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी फिर उसके बाद फिर कांग्रेस फिर बीजेपी और शुरू में इंटरिम एक सरकार रही है, तो जनता तो हमेशा देख रही है कि कैसे यहाँ पे कोई एक नया विकल्प आए क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग आज दिल्ली में हैं और क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, आज ये जो कोई भी जानकारी है वो सबको एकदम से मिल जाती है, तो जनता तो ज़रूर देख रही थी कि आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड में आती है तो वाकई में जिनको बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते सवाल, जो कि हमारी इच्छाएं थी कि आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड जब अलग हो यूपी से तो वो सारी जनता के लिए पूरा करेंगे। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता पहले तो बीजेपी और कांग्रेस को तो नेगेटिव ही देख रही है क्योंकि बीजेपी का तो टेन्योर पूरा ही मतलब फेलियर टेन्योर रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। कांग्रेस जो है उनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ हैं, रोज़ इस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके सीनियर से, साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का तो अस्तित्व ही खत्म होते जा रहा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ पार्टी है, सबसे पहले तो हम अपनी बात करें,
अगर हमारे कोई देखे तो कोई मना नहीं कर सकता कि केदारनाथ पुनर्निर्माण नहीं करा है, कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने यूथ फाउंडेशन नहीं बनाया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देखें तो इसमें कोई शक नहीं है, आईआईटी रुड़की के पढ़े हुए, उन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकाला है, एक अच्छा गवर्नेंस का मॉडल दिया है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं अगर इंडिविजुअल को देखें, आज मदन महार को देखें, मतलब आदमी में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगातार दूसरे साल मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन स्थगित कर दिया गया। पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि बीते कुछ दिनों के प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, साथ ही ओमिक्रॉन का मामला भी राज्य में मिल चुका है, जहां एहतियात विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन स्थगित कर दिया गया और उत्तराखंड में पर्यटन विभाग जिला प्रशासन के नगर पालिका मसूरी इसका आयोजन करते थे। इसमें गढ़वाल और कुमायूं मंडल के सांस्कृतिक दल प्रस्तुतियां देने आते थे, बॉलीवुड के कलाकारों को भी यहां बुलाया जाता था और साथ ही होटल व्यवसायी विभिन्न स्थानीय उत्पाद का स्टॉल लगाते थे। इस बार विंटर लाइन कार्निवाल में एक सप्ताह के बजाय 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बीते दिनों बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार फिर से आयोजन स्थगित करना पड़ा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जहां खबर कलियर से है, जहां पहुंचे योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव दरगाह साबिर पाक पर देश और प्रदेश में खुशहाली शांति की दुआ मांगी। योग गुरु बाबा रामदेव के पहुंचने पर उनसे मुलाकात करने के लिए लोगों को हुजूम पड़ा। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकारों और लोगों के मोबाइल से दूरी बनाकर रखी। संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस ने एक बार फिर पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं, जहां क्रिसमस के नववर्ष पर होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। होटल रेस्टोरेंट मॉल में होने वाली भीड़ पर पुलिस की नजर है, जहां पुलिस विभाग की ओर से होटल रेस्टोरेंट और मॉल स्वामियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बड़े आयोजन पर वे पुलिस की अनुमति लेंगे। मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण से बेखबर लोग खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं, होटल व बारों में क्षमता से अधिक लोग बैठाए जा रहे हैं, जो कि संक्रमण को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग का इंटेलिजेंस भी भीड़ भाड़ वाली जगहों का रिपोर्ट तैयार कर रही है, इसी रिपोर्ट पर पुलिस आगे की भी कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।